गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। मैं आज आप लोगों के लिए पीएचडी एडमिशन के रिलेटेड और एक वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये आइजर कोलकाता के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। ये आइजर कोलकाता ये वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइजर कोलकाता के वेबसाइट में जाना है, ठीक है। जैसे पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल आइजर कोलकाता, इसमें क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आप पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल में जा सकते हो, ठीक है। तब देखिए आपके सामने ऐसा कि इंटरफेस आएगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी प्रोग्राम आइजर कोलकाता। अभी देखिए सब डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जो है वो नहीं निकाला गया है। देखिए कुछ डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है। देखिए क्या क्या डिपार्टमेंट है। देखिए केमिकल साइंस मतलब केमिस्ट्री के लिए निकाला गया है, कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के लिए निकाला गया है, फिर आर्ट साइंस के लिए निकाला गया है, फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए निकाला गया है, फिर देखिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए निकाला गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ एडवांस फंक्शनल मटेरियल जो है उसके लिए निकाला गया है। देखिए इसमें क्या क्या आई है, फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो या एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जनरली ये मटेरियल साइंस के रिलेटेड है। मतलब ये देखिए क्या क्या काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस में, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या है सब इसमें दिया गया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप पॉज करके आप देख सकते हो। उसके बाद देख लेते क्या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, देख लिया। देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो है वो पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन 21 तारीख से हो गया है। देखिए एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजेस ऑन 15/11, ठीक है। मतलब 15 नवंबर तक ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहेगा, तो आप इससे पहले आप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा वो कब होगा, देखिए 25/11, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरव्यू जो है 10 और 15 के बीच होगा दिसंबर का। उसके बाद रिजल्ट जो है 21 और 21 दिसंबर में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका जो ऑनलाइन कोर्स वर्क जो है या आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से। मतलब जनवरी सेशन से आपका जो पूरा पीएचडी प्रोसीड्योर जो है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है इंपॉर्टेंट डेट जो है वो इतना ही है। मतलब कुछ दिनों में फिजिक्स का भी निकल जाएगा, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये है आईजीआर कोलकाता के रिलेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। और कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ। उसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।